और डीसीडब्ल्यू अध्यक्ष स्वाति मालीवान ने क्या कहा, ये सुनते हैं। नहीं ही पड़ेंगे, वो भी अगर जिद्दी है कुछ नहीं होता, हम उनसे ज़्यादा जिद्दी हैं। और महिलाएं अगर ठान लें तो पूरा सिस्टम हिला देती हैं। यहाँ पे मैं अकेली महिला ठान के नहीं बैठी हूँ, यहाँ हज़ारों महिलाएं हैं जो रोज़ आती हैं और हमारे साथ हैं, और पुरुष भी हमारे साथ हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से अपील करती हूँ, हम अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे, हम इस देश के बदलाव के लिए मांग रहे, आने वाली पीढ़ी के लिए मांग रहे। और जो डर का माहौल देश में है उसे ख़त्म करने के लिए आपसे मांगे मान रहे, आपको मांगे माननी ही पड़ेंगी, नहीं तो ये आमरण अनशन तो नहीं टूटेगा। मैम, इसी बीच उत्तर प्रदेश उन्होंने कहा है कि जिस तरह से अगर रामराज भी देश में आ जाए तो 100% सुरक्षा किसी की सुनिश्चित नहीं कर सकते कि कोई घटनाएं नहीं होंगी। ये पता नहीं कैसे ये मंत्री चुन के आ जाते हैं। कोई मंत्री कहता है कि राम राज्य भी आएगा तब भी नहीं होगा सुरक्षा। अरे कम से कम राम को तो मत बदनाम करो अपने कुकर्मों से, तो बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। ऐसे मंत्रियों को, चाहे वो ये हो चाहे वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हों, के 8 बजे के बाद फरमान जारी कर दो कि महिलाएं बाहर ही ना निकलें और खुद शादियों में आके पूरी पूरी रात इंजॉय करो, या फिर तेलंगाना के गृह मंत्री जो कहते हैं कि 100 नंबर पे लड़की ने कॉल नहीं किया, और ऐसे तो हज़ारों इंसिडेंट्स हैं। कोई कहता है लड़की ने छोटे कपड़े पहन के बाहर नहीं निकलना, कोई नेता कहता है कि मोबाइल फ़ोन मत इस्तेमाल करो, कोई नेता कहता है चौमिन मत खाओ लड़कियों को तो रेप नहीं होंगे। अरे ये सारे नेताओं को तो सबसे पहले बंद करके इनकी पिटाई करनी चाहिए और इनको फिर जेल में डालना चाहिए। मैम, जो उन्नाव में घटना हुई उस लड़की के लिए भर्ती कराया गया, वहाँ भी उसकी हालत गंभीर ही बताई जा रही है। जी, इन नेताओं के चक्कर में जो पिसती है वो बेटियाँ और लड़कियाँ पिसती हैं। उस 23 साल की लड़की की बस इतनी तो गलती थी ना कि उसने रेप के खिलाफ आवाज़ उठाई। अगर वो नई रेप के खिलाफ आवाज़ उठाती तो हो सकता है आज उसके साथ ऐसा नहीं होता। तो ये सिस्टम क्या चाहता है? एक तरफ तो सिस्टम कहता है कि नहीं, आप रिपोर्ट कीजिए, आप सामने आइए, और जब लड़की रिपोर्ट करती है तो पूरा सिस्टम मिलके उसके साथ रेप करता है। कैसे उस आदमी को बेल मिली हुई थी जो कि इतना जघन्य अपराधी है, जिसकी इतने हौसले बुलंद है कि वो लड़की को जिंदा उसने जला दिया? तो ऐसे लोगों को तो तुरंत अरेस्ट। तो स्वाति मालीवाल, डीसीडब्ल्यू अध्यक्ष, साफ तौर पर कह रही थी कि उनका अनशन नहीं टूटेगा जब तक उनकी मांगे सरकार नहीं मानती। ये सुनिश्चित करना होगा, ये निश्चित करना होगा कि दोबारा हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं ना सामने आए। जो कानून बने हैं वो किस तरह से सही तरीके से पालन हो, ये सुनिश्चित करना होगा। जो पुलिस है उनकी जिम्मेदारी तय करनी होगी, क्योंकि ये भी सच है कि आज भी एक केस दर्ज कराने के लिए आम जनता, आम नागरिक को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। महिला जाती है, अपना दुखड़ा बताती है, अपना कष्ट बताती है, लेकिन उसके बावजूद कई ऐसे थाने हैं, कई जगहों से ऐसी खबरें आई है कि एक बार में पुलिस मामला दर्ज नहीं करती है, FIR दर्ज नहीं करती है, क्योंकि आगे उन्हें कार्रवाई करना पड़ता है। कई तरह की बातें सामने आई है। और इस बीच ये बड़ी खबर आपको हम हैदराबाद से बता रहे हैं, जहां पर दिशा से जिन्होंने दरिंदगी की थी, जो ये 4 आरोपी थे, उन्हें पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। आपको उस लोकेशन की भी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, उस जगह की तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि हैदराबाद में NH 44 है, जहाँ पर पुलिस इन 4 आरोपियों को लेकर के गई थी, जो कि एक कानूनी प्रक्रिया है, क्योंकि ये 4 आरोपी पुलिस कस्टडी में थे। इन 4 आरोपियों को पुलिस लेकर के गई थी मौकाए वारदात पर, जहां पर इन 4 आरोपियों ने डॉक्टर दिशा को जला दिया था बड़ी ही बेदर्दी से। यही वो जगह है, ये वो पुलिया है, आप देख सकते हैं, और यहीं पर ये गाड़ी भी, आप पुलिस की गाड़ी भी देख सकते हैं, और साथ ही साथ ये वैन भी देख सकते हैं, एक बस आप देख सकते हैं। इसमें 4 आरोपियों को लेकर के पुलिस आई थी। शम्स ताहिर खान हमारे संवाददाता हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। शम्स, स्वाति मालीवाल साफ तौर पर एक तरफ से कह रही हैं कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी वो अनशन नहीं तोड़ेंगी, लेकिन आप इधर साफ तौर पर कह रहे हैं कि इमोशंस की कोई जगह नहीं होती है कानून में, लेकिन साथ ही साथ ये भी बताना होगा, ये भी जानना होगा कि क्या इस तरह की घटनाओं में वाकई इमोशंस की कोई जगह नहीं है, जहां पर किसी की बेटी के साथ इतनी दरिंदगी हुई, उसे मार दिया जाता है, गैंग रेप होता है, जला दिया जाता है। देखिए, यही चीज समझने की जरूरत है कि लोगों में गुस्सा क्यों है, और ये गुस्सा ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ कानून खराब है, कानून सही है, डेथ पेनल्टी तक इस पूरे मामले में।
मैंने इसलिए कहा कि इमोशन की जगह नहीं है, क्योंकि अदालत इंसाफ इमोशन से नहीं चलते, सबूत गवाहों और बाकी चीजों से चलती है। लेकिन ये गुस्सा क्यों, मैं इसकी वजह सिर्फ आपको इतना बताता हूँ कि हमारे इंसाफ मिलने में इतना वक्त लगता है। निर्भया केस हो गया, 7 साल ये लगभग होने वाला है, आज तक सुप्रीम कोर्ट तक से फैसला आखिरी आ चुका है, मर्सी पिटीशन अभी एक दाखिल है, कब होगा मालूम नहीं। ऐसा नहीं है कि हमारे इंसाफ कभी वक्त पे नहीं हुआ। जोशी अभयंकर एक बहुत पुणे का फेमस केस है जिसमें 10 लोगों को 4 लोगों ने मिलकर मारा था, उसमें 1978 में इन चारों को गिरफ्तार किया गया और 83 में सिर्फ 5 साल के अंदर चारों को फांसी भी दे दी गई। इसलिए और उस वक्त कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं था। आजकल गुस्सा इसीलिए है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट तो हम बना देते हैं किसी मामले के, निर्भया केस में भी फास्ट ट्रैक कोर्ट बना था और 9 महीने में फैसला आ गया, लेकिन उसके बाद फिर हाईकोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट में वक्त लगता है। मर्सी पिटीशन अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाता है तो वो वहां पे 5-5, 10-10 साल तक पड़ा होता है। तो लोगों को फिर इसी चीज को लोगों का गुस्सा आता है कि एक तरफ रेप हो रहा है जिस तरीके की दरिंदगी की निर्भया है डॉक्टर दिशा के साथ ही, तो फिर वो सोचते हैं कि पुराना जो इतिहास है केसों का वो क्या हुआ। पिछले 10 सालों में 400 लोगों को करीब फांसी की सजा हो चुकी है निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, लेकिन पिछले 15 सालों में फांसी कितनी हुई, सिर्फ 4। एक धनंजय चटर्जी वो इकलौता है जो रेपिस्ट है कोलकाता में जिसको फांसी दी गई, उसके अलावा बाकी जो 3 फांसी हुए टेररिज्म से जुड़ा हुआ है, चाहे वो अजमल कसाब हो या फिर अफजल गुरु हो या फिर याकूब मेमन। तो लोगों का गुस्सा यहाँ पे बिल्कुल। शम्स, हम आपसे और जानकारी लेंगे, लेकिन हमने थोड़ी देर पहले दिशा के चाचा से बात की थी, क्या कहा था उन्होंने सुनिए। गवर्नमेंट ऐसा काम कर दिए है जो दूसरों को डर लगने का जैसा सीन क्रिएट हो गया। ये समाज में आप बिल्कुल अपना कोर्ट का हिसाब से चले तो काम कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम लोग उन लोगों को मार दिए गिराए तो हम लोगों को कोई खुशी नहीं है, उनका भी माँ बाप है, तो हम लोग ये एक्सपेक्ट और हमारा डिमांड इसलिए नहीं है, ये दूसरों लड़की के साथ ऐसी चीज नहीं होना बोल के उनको जल्दी से जल्दी पनिशमेंट हम पूछे हैं। और ये लोग चोर लोग है, गाँव में भी ऐसे करते करते हम लोग बाद में इंक्वायर करें तो ये लोग क्या है वहां से बच गए तो फिर अलग अलग गए तो भाग जाएंगे तो बाद में क्या होता बोल के देख लिए होंगे, तो इसमें पुलिस करे होंगे, पुलिस एनकाउंटर करना बोल के लेके नहीं गए होंगे ये लोग, पुलिस के ऊपर वहां से छुटा के भाग गए तो फिर कहीं आंध्रा से निकल के दूसरा स्टेट गए तो फिर बाद में देखेंगे बोल के लोग छुटने के लिए कोशिश करे होंगे, तो उसमें मुठभेड़ में एनकाउंटर हो गया, पुलिस से डेलिबरेट करना है तो उसी दिन करते थे। लेकिन आपको क्या लगता है कि आप जिस तरह से कह रहे हैं कि एनकाउंटर से आप खुश नहीं हैं, ऐसे में आप क्या चाहते थे कि पूरी कार्रवाई जिस तरह से कानूनी कार्रवाई है वो पूरी कार्रवाई होती इन पर, और आगे आप क्या चाहते क्या है आप सरकार से? उनको जो पनिशमेंट मिलना था मिल गया है। ये ऐसा पनिशमेंट इतना जल्दी हर केस में जल्दी जल्दी मिल गए तो आप देखे कल यूपी में क्या हुआ जी, देखे आप वा, तो ये समाज में कुछ डर भी गिराने का है किसी तो आपको लगता है कि ये जो खबर सामने आई है उसके बाद समाज में लोगों के बीच में डर होगा, लोग डरेंगे? बराबर थोड़ा तो डर होता है। डिटरेंस हम लोग ये मांगते हैं, डिटरेंस इसलिए है कोई भी मैं भी एक प्रोफेसर हूँ तो कॉलेज में कोई किसी बच्चे को मारे तो ना, तो अपना घर में किसी बच्चे को मारे तो उसको मारना मार दे तो अपने दिल खुश नहीं होता, इसलिए मारते हैं। अगले चीज ऐसा नहीं करना बोल के अब अपना बच्चों को अपना स्टूडेंट्स को अपन मारते हैं, दंड देते हैं। दंड किस लिए देते? दंड दिए तो मेरा कोई किसी को दिल खुशी नहीं होता। दिल खुश होने के लिए नहीं है ये, दिल खुश करने के लिए नहीं है। हमारे बच्चे इन लोगों को मार दिए तो आ गए क्या? नहीं है, पर सोसाइटी में अपना हमारे बच्चे को जो काम हुआ है वो दूसरे बच्चे के साथ नहीं होना बोल के हम लोग खुशी है। और क्या है थोड़ा बहुत तो यहाँ पर दिशा के पिता क्या कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। जी, मर के आज 10 दिन हो गए, 10 दिन के अंदर उनको इनकाउंटर में मार दिया। मैं उसको लिए गवर्नमेंट तेलंगाना सरकार और पुलिस और मैं जो मेरे साथ लोगों को सबको बता ही दे देता हूँ। मेरा बच्ची की आत्मा का शांति आता होगा। शम्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शम्स, जाहिर सी बात है एक पिता का दर्द
समझ सकते हैं और परिवार का दर्द जो कि ये कह रहा है कि मेरी बेटी की आत्मा को शांति मिली होगी। जी श्वेता, एक बार वही कह रहा हूँ कि अजीब सी एक स्थिति है। एक तरफ मतलब जो दरिंदगी हुई उसको किसी भी कीमत में माफ नहीं किया जा सकता। एक माँ बाप जाहिर सी बात है उनकी बेटी है बच्ची है, जो कुछ हुआ वो और ज्यादा खौफनाक है। दूसरी तरफ ये है जो कुछ हुआ तो इन चीजों को देखने की और अभी जो पुलिस अपनी पूरी कहानी सामने लेकर आएगी उसको भी सुन ले, इसलिए हमें वक्त से पहले पुलिस को भी कटघरे में खड़ा करने की मतलब कोई जरूरत नहीं है। हालांकि यहाँ पे पुलिस से जरूर सवाल उठा जाएगा कि आप जब वहां पर लेकर गए तो आपने सुरक्षा का इंतजाम क्यों नहीं किया, कैसे ऐसे हालात थे जिसमें पुलिस को गोली चलानी पड़ी, कौन से वो सिचुएशन थी जिसमें ये चारों के चारों की मौत हुई। लेकिन फिर बात वहीं पर आ जाती है कि जो लोगों का गुस्सा और मैं इमोशन की बात कर रहा हूँ, ये सारी चीजें अगर सही 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 वक्त पे इंसाफ मिलने लगे, सही वक्त पे ऐसे सारे फैसले हो, वरना अभी जो मैं सुन रहा था वो यही बात है कि जो कुछ नौ में हुआ, मार्च में रेप होता है एक लड़की के साथ, दो लोगों को गिरफ्तार करके आप जेल भेजते हैं और नवंबर में वो जमानत पर बाहर आ जाता है और दिसंबर में फिर वो उसको जिंदा जलाने की कोशिश करता है और उसकी हालत बहुत नाजुक है। दिल्ली में ही है अभी, वो एडमिट है लेकिन बहुत हालत नाजुक है। तो ये सारी चीजें क्यों होती है? रेप के मामले में हम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे इसी यूपी में दो रेपिस्ट को आप 6 महीने के अंदर जमानत मिल जाती है और उसके बाद वो बाहर आ जाता और फिर से वो सारी चीजें करता। तो एक डर, एक दहशत, एक खौफ, जिनके चाचा कह रहे थे उससे भी मैं सहमत हूँ कि इन चीजों से एक मैसेज भी जाना बहुत जरूरी है क्योंकि आजकल महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बिल्कुल कई सवाल है, कई सवाल है शम्स, जो कि देश जानना चाहता है आज भी वो सवाल पूछ रहा है। इस बीच